हम वास्तु में साउथ ईस्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि ये दिशा में इम्बैलेंस हो तो ये वो, उसको थोड़ा सा क्या ऐसा करना चाहिए कि वो बिल्कुल सेटल रहे, ठीक रहे, और हम उसको क्यों इतना हाईलाइट करते हैं? साउथ ईस्ट यानी कि कौन सा स्थान है, इसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं, हिंदी में कौन सा कोण बोलते हैं, अग्नीय कोण। क्या है अग्नीय कोण, क्यों सेहत के साथ जुड़ा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अग्नि, जिस वक्त आप पृथ्वी पे हो ना तब तक आपका शरीर गर्म है, जिस दिन निकलोगे उस वक्त ठंडा पड़ा होगा। तो इसलिए पहली इंपॉर्टेंस ये कि अग्नीय कोण यानी कि एक व्यक्ति की इस जीवन काल की ये यात्रा जो है, इस अग्नि तत्व जो है वो गवन करता है, ठीक है। दूसरी बात, अग्नि और किस में है, पैसा, पैसा पैसा जो होता है वो साक्षात अग्नि का स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि पैसे में परचेजिंग कैपेसिटी है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब एक आदमी कदम रखता है ना, मैं नहीं कहता एक आदमी को पैसे की लालसा हो, पर एक आदमी को अगर सरवाइव भी करना है तो उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उठना बैठना सब कुछ आना चाहिए। तो वो कौन कौन ये तृप्तियां करता है, कौन ये तृप्ति करता है, अग्नि कर पाती है ये तृप्ति। तो यानी कि जीवन काल में जब एक व्यक्ति कदम रखता है ना, इच्छाओं से रखी भरी हुई जिंदगी में उन इच्छाओं को पूर्ण करने में अग्नि जो है वो सहायक होती है। और फिर जब शादी होती है फिर अग्नि में तपते हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अग्नि यानी कि वो गर्माहट जो आपको जीवित रहने का एहसास देती है, जो आपको कुछ करने की अनुभूति देती है, जो आपके अंदर स्पार्क को पैदा करती है। सो इसलिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन तीन प्रमुख चीजों के साथ जुड़ी है। वो कौन सी है? एक आपकी सेहत, दूसरा आपका दाम्पत्य जीवन यानी कि शादी की बात कर रहा हूं, और तीसरा पैसा। और ये तीन ही बसूड़ियां प्राइम है, मतलब तीन ही चीजें अगर आदमी की जिंदगी में पूर्ण हो जाए ना तो बड़ी खुशी की बात है। पर मुझे कोई एक घर ऐसा बता देना जिस घर में या रिलेशनशिप के चैलेंज ना हो, या पैसे का चैलेंज ना हो, अगर पैसा नहीं है तो सेहत का चैलेंज ना हो। ये ए बी सी तीन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, या एक टारगेट कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अग्नि कोण इतना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए किसी भी घर की घर का अगर कोण निकला हो तो उस कोण को हम क्या करते हैं, पहले उसकी रेक्टिफिकेशंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई अग्नि कई बार एक्सीडेंट्स देती है, लॉसेस देती है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बुखार हो गया। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, कि 98.6 पैरामीटर है ना, कि भाई इतना टेम्परेचर है तो शरीर स्वस्थ है, जब कम होता है या ज्यादा होता है तो इसका मतलब शरीर में असंतुलन है। तो अग्नि कोण के अंदर जब भी असंतुलन आता है एक आदमी की जिंदगी में ना, मेजर उथल पुथल आता है। और ये तीन मेजर उथल पुथल जब होते हैं ना तो आदमी की सबसे पहले बुद्धि काम करनी बंद करती है। व्हाट डज दैट मीन? साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी तो उसका इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि बुद्धि के ऊपर पड़ेगा। जब बुद्धि के ऊपर पड़ेगा तो आपके पैर भी लड़खड़ाएंगे, इसका मतलब साउथ वेस्ट। और जब पैसा जाता है, सेहत जाती है, रिश्ते जाते हैं, तो लोग भी साथ देना छोड़ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये इंटरकनेक्शंस हैं, इसको बस समझ लो। तो इसलिए ये दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि की दिशा है। इस दिशा के अंदर नीला काला रंग दिक्कत देता है, और जाकर के जिसको कहता है ना वास्तु काम नहीं करता, यहां पर जाकर के नीला रंग पुतवा लेना, या एक आईना जाकर के वहां रख करके देख लेना, पता चल जाएगा वास्तु काम करता है कि नहीं करता। तो जैसे ही आप यहां से नीला काला रंग या आईना हटाते हो तो क्या होता है, अग्नि जो प्रज्वलित होनी है, अग्नि को जितना टेम्परेचर मेंटेन करना है उतना टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखती है। दूसरा भी, ये टेम्परेचर तो मेंटेन हो गया, पर क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इसके दुष्प्रभाव अगर नजर आ रहे हैं तो खत्म हो जाए? पहला तो क्या किया, हमने अग्नि को न्यूट्रलाइज किया। फिर उसके बाद क्या ध्यान देना है, मैंने बताया कि एक चीज जो बाय डिफॉल्ट कर सकते हो, दैट इज कॉस्मिक पेंटिंग ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की कॉस्मिक पेंटिंग आप लगा सकते हो अगर इन तीनों एट्रीब्यूट्स में से किसी भी जगह आप सकअप हो। पहला सेहत, दूसरा शादीशुदा जिंदगी, और तीसरा
पैसा, आप जैसे ही करते हो एटलीस्ट कॉस्मिक एनर्जीज को आपने सही किया। स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं, कैसे किया स्ट्रक्चर, अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर दिया, नीला काला रंग हटा दिया, तो हमने पहले स्ट्रक्चर की करेक्शंस की, फिर कॉस्मिक पेंटिंग लगा के उसका जो कॉस्मिक एंगल है वो पूर्ण किया, फिर नीचे बसता है टैलरिक, तो टैलरिक को तो डाउजिंग के माध्यम से है वो आइडेंटिफाई करके देखा जा सकता है। पर फिर भी अगर देखना हो तो साउथ ईस्ट में अगर दीवार में दरारें आ रही हैं, इसका मतलब वहां की टैलोरिक एनर्जीज जो हैं वो भी डिस्टर्ब है। सो उस कंडीशन में फिर वो रॉड्स, जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स जो हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं।